सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। और आज की वीडियो में मैं लाया हूँ जो मेरी गाड़ी है Hyundai i20, उसका एक रिव्यू 95,000 किलोमीटर्स चलने के बाद। देखिए लगभग गाड़ी 95,000 किलोमीटर्स चल चुकी है और लगभग 7 साल पुरानी गाड़ी है, पेट्रोल वेरिएंट है। और मैं आज आपको ओवरऑल बताऊंगा कि ये जो मैंने इतने टाइम इस गाड़ी को मेंटेन किया है वो कैसा रहा है, क्या क्या सर्विस कॉस्ट वगैरह आई है और कैसी ओवरऑल गाड़ी रही है, क्या इसने फीडबैक दिया है मेरे को, मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू भी कर रहे हैं तो चलते चलते शुरू करते हैं। चलिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये Hyundai i20 है जो फर्स्ट जनरेशन Hyundai i20 आती थी और उसमें 2008 में लॉन्च हुई थी i20। और मेरे पास जो वेरिएंट है वो 2012 का है और ये एक पेट्रोल वेरिएंट है। 1.2 लीटर का इंजन आता था। जो अभी जो नई वाली i20 आ रही है, चाहे 2019 की भी हो, वो इंजन सब में सेम आता है, यही इंजन सब में आ रहा है। बस जो ऊपर से थोड़े बहुत जो ट्यूनिंग होती है इंजन की, उसको थोड़ा बहुत चेंज किया गया, हर साल चेंज कर देते हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बेयर इंजन वही है, सस्पेंशन वगैरह भी वही है, बाकी बॉडी वगैरह तो काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो अब अगर हम नई वाली i20 की बात करें पहले, तो इसके बाद तो एक दो अब तीसरा वेरिएंट आ चुका है इसके बाद जो अभी मार्केट में चल रहा है। और अगर हम इस गाड़ी की बात करें तो देखिए लगभग 95,000 के आसपास मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ पिछले 7 साल में, और इसने ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक फीडबैक दिया मेरे को इस गाड़ी ने। कोई ऐसी मेजर इस गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आई आज तक ही। मैं इसकी जो सर्विस इंटरवल है जो कंपनी रिकमेंड कर दी है 10,000 पे, मैं उससे थोड़ा पहले ही बेशक सर्विस करा देता था तो उससे काफ़ी एक अच्छी लाइफ रही मेरी गाड़ी की, कोई दिक्कत इसमें आई नहीं। हमेशा सर्विस सेंटर से होने का एक फ़ायदा ही हो जाता है कि आपकी पूरी गाड़ी की अच्छे से ओवरऑलिंग हो जाती है, एक अच्छे से चेकअप हो जाता है, OBD स्कैन हो जाता है गाड़ी का, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैंने देखा है फ़र्क पड़ता है कंपनी से सर्विस कराने में और बाहर से सर्विस कराने में, गाड़ियों में काफ़ी फ़र्क आ ही जाता है। बाकी अगर चीज़ों की बात की जाए, जो उसने खर्चे दिए मेरे को गाड़ी ने, वो जो खर्चे हैं आए टायर्स के, लगभग 60,000 के आसपास टायर्स चेंज हुए थे, वो तो नॉर्मल ही है, उसमें कोई एडिशनल नहीं है कि अलग खर्चा आ गया। और दूसरा था बैटरी, बैटरी का भी मैंने इसमें कराया था। और बाकी तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बार इसका थोड़ा मिरर वगैरह ख़राब हुआ था मेरे को, वो थोड़ा चेंज कराना पड़ा। बाकी इन एज अ जनरल देखा जाए तो कोई मेजर कोई फॉल्ट नहीं आया गाड़ी में कि अपन जैसे कह सकते हैं कि यार इंजन में स्टार्टिंग कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इंजन में प्रॉब्लम आने लग गई, या वैसे कोई मेजर प्रॉब्लम आने लग गई। थोड़ा बहुत इसका सस्पेंशन में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है, और जो कि होता ही है, मैंने सर्विस सेंटर से भी ये चीज़ कंफर्म कर ली थी कि लगभग कार आपकी 80,000 क्रॉस करती है, 82,000 टू 1,20,000 के आसपास कार्स में प्रॉब्लम आती है सस्पेंशन की, जो जितनी भी बुशिंग्स वगैरह होती हैं वो कट जाती हैं तो उनको रिप्लेस कराना ही पड़ता है, उसमें कोई ऐसा मेजर नहीं है। तो वो भी मैंने चीज़ कराई नहीं, नियर फ्यूचर में मैं वो चीज़ भी इसमें करवाऊँगा। अब बात करें अगर सर्विस कॉस्ट की, तो जो एवरेज सर्विस कॉस्ट मेरे को पड़ी इस गाड़ी की वो लगभग रेंज करती थी 3,500 से लेके लगभग 4,800 के आसपास सर्विस मेरी इसमें अंदर आ जाती थी। जो जो रिकमेंडेड होता था मैं वही चेंज कराता था, नॉर्मल ऑयल यूज़ किया है, कोई सिंथेटिक ऑयल वगैरह मैं यूज़ नहीं करता था। जो भी एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर वगैरह जो भी चेंजेस होते थे वो उसमें होते थे। अब मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि अभी लास्ट जो सीज़न था गर्मियों का, अभी तो अभी भी गर्मियाँ चल रही हैं यहाँ पे, उसमें मेरे को AC का वाइब्रेटर चेंज कराना पड़ गया था। इसमें AC का वाइब्रेटर जो चेंज हुआ, आई थिंक 5-7,000 का मेरे को टोटल खर्चा पड़ा था, जो अंदर जो वाइब्रेटर लगा होता है जो कार के अंदर, जिससे ठंडी हवा, बेसिकली जो ठंडी हवा आपके अंदर जिससे आती है वो लीक कर गया था, तो मेरे को उसको ज़रूर चेंज कराना पड़ा था। ये भी एक तरीके से कार के यूज़ करते तो उसका एक पार्ट ही है, पर शुरू शुरू में क्या थोड़ी गाड़ी खुली ज़्यादा यूज़ हुई थी, उस चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी ख़राब हो गया, पर ये भी लगभग लाख के आसपास तो उसको चेंज कराना पड़ ही जाता है। बाकी तो देखा जाए ओवरऑल मैंने आपको सर्विस कॉस्ट आपको बता ही दिया कि ज़्यादा सर्विस की कॉस्ट नहीं आई इसकी, क्योंकि पेट्रोल वेरिएंट रह गया तो ज़्यादा कॉस्ट इसकी आई नहीं आज तक। बस इसके मैंने एक बार ही ब्रेक पैड भी चेंज कराए हैं, तो आप देख लीजिए पार्ट्स की क्वालिटी Hyundai की सही में काफ़ी अच्छी है। एक बार ब्रेक पैड चेंज हुए थे, आई थिंक 30,000 पे चेंज हुए थे, तो अभी आप देख लीजिए अभी तक भी चेंज ही नहीं हुए, आई थिंक लाख के बाद ही ज़रूरत पड़ेगी चेंज करवाने की। तो अगर कोई पूछे कि पेट्रोल लेनी चाहिए गाड़ी या मेरे को डीजल लेनी चाहिए,
तो अगर इस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा था कि इसमें एक अलग से एक वीडियो बना दी जाए इस बारे में, पर इन जनरल बताऊँ, अगर सर्विस के हिसाब से बताऊँ तो आपको सर्विस में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये सेम गाड़ी अगर मेरे पास डीजल होती तो मेरी सर्विस एवरेज सर्विस कॉस्ट मेरी 7,500 से ऊपर ही रहती, 7,500-8,000 तो सर्विस कॉस्ट बनती ही बनती है। और आजकल की नई आप ले लेंगे गाड़ियां जो हैं तो 10,000 तो उनका सर्विस आएगा ही आएगा, या तो आप मान लीजिए। डीजल गाड़ियों के हर पार्ट्स भी महंगे आते हैं, सर्विस कॉस्ट भी महंगी है, और सर्विस का लेबर चार्ज भी डीजल कार्स का थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो एक बात की जाए कि मैं क्या सेटिस्फाइड हूँ हुंडई की ये गाड़ी जो मैंने उस टाइम परचेज की थी, और जो इसने मेरे को आज तक जो वैल्यू दी है वो काफ़ी अच्छी वैल्यू दी है। मैं पेट्रोल वेरिएंट लेके काफ़ी खुश हूँ, मेरी सारी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, अच्छी इसने मेरे को सर्विस दी है, कभी भी कोई मेजर प्रॉब्लम मेरे को फेस नहीं करनी पड़ी। और काफ़ी गाड़ी को हाईवेज़ पे भी यूज़ किया है, सिटीज़ में भी यूज़ किया है, कोई गाड़ी में मेजर दिक्कत नहीं आई। बस सस्पेंशन का मैंने आपको बताया, वो भी रेगुलर काम ही है, वो उसका भी करवाना पड़ता ही है काम। और अगर मैं एवरेज की बात करूँ, जो फ्यूल की एवरेज जो मेरे को उस गाड़ी ने दी है, इन सिटीज़ मेरे को 14 के आसपास, 13 से 14 मैक्स देती थी सिटी में। और अगर मैं इसको हाईवेज पे लेकर जाऊँ, हाईवे पे मैं उसको ऑटो एसी पे यूज़ करता हूँ, तो मेरे को 18 से 22 के आसपास की इसने मेरे को एवरेज दी है। ये पुरानी वाली I20 है, थोड़ा ज़्यादा एवरेज देती है जो नई वाली I20 आती है उससे, पर आपको मेन जो आपको फ़र्क पड़ेगा वो है कि आप उसको कैसे चलाते हैं गाड़ी को। तो इन सब बारे में मैं थोड़ा वीडियोज़ मैं और आपको बना के दूंगा इस चैनल पे, कि कैसे अच्छे से थोड़ा गाड़ी को चलाएं जिससे कि आपकी ज़्यादा एवरेज आ सकती है। और बस यही राय है इसमें। हाँ, एक चीज़ मैं लास्ट में और आपको कन बताऊं कि इसके साथ साथ एक क्लच भी मेरे को एक बार डलवाना पड़ गया था, मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल गई थी बात, एक बार क्लच भी मेरे को उस कार में लगवाना पड़ा था। वो भी क्लच भी बेसिकली आपके यूज़ पे ही होता है, तो पहले कोई और जो यूज़ करता था गाड़ी को उसके वजह से थोड़ा सा मेरे को क्लच को चेंज कराना पड़ा था। तो इन टोटालिटी काफ़ी अच्छी गाड़ी रही है, 95,000 किलोमीटर